तो अभी HDFC बैंक में कहाँ कहाँ चिंता बाकी है, इसकी पांच बड़ी वजह हैं। पहला तो ये कि इंक्रीमेंटल CRR और अधिक लिक्विडिटी से मार्जिन्स पर दबाव है, जिसका कि अनाउंसमेंट RBI ने किया था, उसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में HDFC बैंक अपने कॉन कॉल में पहले ही एनालिस्ट कॉल में पहले ही हाईलाइट कर चुका था कि इसका जो असर है वो मार्जिन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो गाइडेंस थी बैंक की 3.7 से 3.8% के रेंज के पास मार्जिन रहने की, इस बार जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो भी कम है, 3.65% के पास ये मार्जिन के नंबर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा आय और मुनाफे में अभी सुधार आने में समय लग सकता है। HDFC के कॉरपोरेट लोन में दबाव था और मर्जर के बाद हमने देखा कि उसका असर बैंक के एसेट क्वालिटी में देखने को मिला और बैड लोन्स में भी बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा ये भी कहना है मैनेजमेंट का कि लिक्विडिटी का पूरी तरह से उपयोग होने में अभी 3-4 तिमाही लग सकती है। तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक में अच्छी तेज़ी नहीं आ पा रही है, क्योंकि कुछ कंसर्न्स हैं जिसको कि मैनेजमेंट खुद भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से रिकवर होने में, उसमें सुधार आने में समय लग सकता है, 3-4 तिमाही का समय लग सकता है। अगर NPA की अभी हमने बात की तो NPA की टेंशन बढ़ी है। पहली तिमाही FY24 में हमने देखा था मर्जर के पहले के सिचुएशन 1.17% था ग्रॉस NPA, क्वार्टर टू में मर्जर के बाद वो भी बढ़ गया और 1.34% ये जो नंबर्स हैं वो देखने को मिले हैं। अब इसमें हमने नतीजा आने के बाद बड़े एक्सपर्ट से हम बात भी कर रहे हैं, हमने महंतेश सबरत जी से भी बात की थी, उनका कहना है कि 18-20% की ग्रोथ बनाए रखना अभी फिलहाल संभव नहीं है। संजीव हसीन का जी का कहना था कि लंबी अवधि के निवेश के लिए अभी ज़रूर खरीद सकते हैं, इसको थोड़ा कंसर्न रहेगा लेकिन लंबी अवधि के लिए यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। राहुल मलानी का भी कहना है कि 12 से 15 महीने में शेयर की री रेटिंग होने की संभावना है। तो ये कुछ एक्सपर्ट से भी कॉमेंट निकल कर आ रहे हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक के शेयर में उतनी तेज़ी आज नहीं दिखाई दे रही है।